गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश का बिल्कुल वायरल फरवरी का वायरल मॉडल पेपर ठीक है ये पेपर हंड्रेड टेन परसेंट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा अगर आप टेंथ के छात्र हो ठीक है अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करना ठीक है हंड्रेड टेन परसेंट अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो आपका सत्तर में सत्तर नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्योंकि ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल और इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम दो में आएगा ठीक है और आप देख लेना बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड में आएगा अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ठीक है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल्ली वॉच कर लेना क्योंकि ये पेपर आपके बोर्ड में आने वाला है ये क्लास टेंथ इंग्लिश का पेपर है ठीक है और ये फरवरी में जो आपका एग्जाम है वायरल पेपर है 2024 के लिए आएगा आपके 2024 का पेपर ठीक है टेन अंग्रेजी का ये बिल्कुल वायरल पेपर है और आग अगर आपने अगर पूरे वीडियो को वॉच कर लेते तो, तो सत्ता नंबर बिल्कुल पक्का आपका बोर्ड में हो जाएगा और ये जो वीडियो है ना वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं क्योंकि फुल्ली आंसर के साथ है ठीक है विथ सॉल्यूशन है और इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना स्टार्ट करना ये भी हम बताएंगे और आपके इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा ये भी हम देखेंगे ठीक है तो ये है आपके बोर्ड दो के लिए ठीक है किस क्लास के लिए है क्लास टेंथ के लिए है बोर्ड 2024 का पेपर ये बिल्कुल वायरल पेपर हमने बताया ठीक है इंग्लिश का है और ये देख सकते हो 2024 का कोड बिल्कुल वायरल कोड है आठ सौ चौबीस डीजे ठीक है ये होता है आपके विषय का कोड यहाँ पे अपना रोल नंबर और यहाँ पे नेम और ये होता है नंबर आ प्रिंटेड पेज कितने पेज इसमें है सबसे पहले आप देखोगे इंग्लिश का जो बोर्ड का पेपर मिलेगा उसमें ये चीज़ें लिखी रहेंगी टाइम थ्री हावर फिफ्टीन मिनट ठीक है यानी समय तीन घंटे पंद्रह मिनट का मिलेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो सेवेंटी मार्क्स का कितने मार्क्स का है ये मैक्सिमम सेवेंटी मार्क्स का है और आपको जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश यहाँ पे देखने को मिलेंगे आल क्वेश्चन आर कम्पल्सरी ठीक है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी ये क्वेश्चन पेपर दो भागों में बटा हुआ है पार्ट ए एंड पार्ट बी ठीक है नेक्स्ट है कि पार्ट ए कंसिस्ट आप ट्वेंटी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न एक नंबर के ठीक है रीड द क्वेश्चन वाइस इंट्रोडक्शन एंड मार्क्स योर आंसर ऑन द गिट डू नॉट इट आर यूज व्हाइटनर ऑन द ओ एम आर सीट यानी कि सभी क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन है उस निर्देश को पढ़ो और उसके बाद आपको ओ एमआर सीट पर उसके आंसर देने हैं बहुविकल्पी के और आंसर देने के बाद आपको इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का उपयोग नहीं करना है अगर करते हो तो उस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा question, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन यानी पार्ट बी में आपको वर्णात्मक टाइप के प्रश्न दिए गए मार्क्स मार्क्सट इंडिकेट अगेंस्ट इच क्वेश्चन ठीक है कौन सा प्रश्न कितने नंबर का उसके आगे लिख दिए गए है तो यहां से हमारी शुरुआत होती है पार्ट ए ठीक है पार्ट ए आपको किस पे भरना भरना है सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है एंड इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं तो इसको आपको रीड कर लेना है ठीक है जब रीड करोगे रीड करने के बाद जब आप इसे पढ़ोगे तो आथर फेल्ड द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ठीक है nostalgic about his childhood, the world had not become prosperous, or the author had not won any further victories, the world was painfully disturbed during that period of time. तो इसमें से अगर आप इसको देखोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर D है, the world was painfully disturbed during that period of time. ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है? अगेन आपका है व विक्टोरिज ऑफ द पास्ट यानी पास्ट की विक्टोरिज कैसे हुआ करते थे द ब्रॉड प्रमामेंट पीस एंड द प्रोस्पर्टी इंडेड क्यूरिटी टर्मनी एंड द इनजस्टिस प्रोवड टू बी टेम्प्रोरी इवेंट्स फील्ड मैन विथ एसेंस ऑफ पसमिश ठीक है तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो वाला ये फील्ड मैन विथ एसेंस ऑफ पेशमिश मिशम ठीक है पेशमिशम हो गया थर्ड तीसरा नंबर क्वेश्चन की द वर्ल्ड डेफिनेटिव यूज इन पैसेज मीन्स ठीक है यानी कि द वर्ड डेफिनेटिव यूज इन पैसेज मीन्स इसमें जो डेफिनेटिव वर्ड है इसका मतलब क्या है डिफाइंड फाइनल टेम्पोरोरी इनकम्पलीट ठीक है यानी इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है तो इसका मतलब है टेम्पोरोरी ठीक है यानी कि अस्थाई अगेन है क्वेश्चन नाइन सॉरी क्वेश्चन फोर टू एट ठीक है इसमें क्या करना आई एम प्राउड माई सन ठीक है टू लगेगा कि विथ की आपकी की देखो आई एम प्राउड टू माई सन विथ माई सन आप माई सन फ्रॉम माई सन तो यहाँ पे आई एम प्राउड मतलब मैं अपने अपने पुत्र पे घमंड करता हूँ ठीक है गौरव करता हूँ तो इसमें आपका क्या भरा जाएगा ऑफ क्या भरा जाएगा आई एम प्राउड ऑफ माई सन मैं अपने पुत्र पर गौरव करती हूँ करता हूँ इसके बाद है रीरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंग फुल सेंटेंस एंड द चूज द करेक्ट अरेंजमेंट यानी कि ये जो चीजें हैं इधर उधर करके लिख दी गई हैं इसे आपको अरेंज करके लिखना है एक मीनिंगफुल शब्द में ठीक है यानी जैसे सेंटेंस बनता है उस तरह से देखा है यहाँ पे क्रो क्लेवर इज ए बेरी द वर्ड ठीक है तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट लगाना द बर्ड आपका क्या मिल जाएगा द क्लेवर बर्ड ठीक है तो यहाँ पे आपको देखो क्रो क्लेवर इज ए बेरी ठीक है इसमें आपको कैसे सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपको ये बर्ड बनाना ठीक है द क्रो यहाँ पे है द क्रो ठीक है बर्ड नहीं रहेगा द क्रो इज ए बेरी क्लेवर बर्ड ठीक है तो ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट हो जाएगा द क्रो इज ए बेरी क्लेवर बर्ड यानी जो कौवा होता है वो बहुत ही चलाक पक्षी होता है ठीक है ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन सिक्स नंबर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है नो सुनर द रूम ही वेंट आउट ठीक है बट देन इफ एंड लगेगा ठीक है तो इसमें क्या लगेगा आपका छठे में देन लगेगा क्या लगेगा नो सूनर ये है no रूम देन ही हमारे आने के बाद वो बाहर गए इसके बाद सातवा के बीच आप द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड यानी इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध आपको ये पहचानना है ठीक है बिलीव सही मीनिंग है कि अचीव है कि रिसीव है कि रिसीव है ठीक है कौन सी मीनिंग सत्य है आपको इसमें पहचानना देखो की भी मीनिंग गलत लिखी गई रिसीव की भी मीनिंग गलत लिखी है बिलीव की ठीक है इसमें एच की जो मीनिंग है ये करेक्ट है ये yes, करेक्ट है एंड यहाँ पे एट नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग वन हु कैन नॉट स्पीक वह जो बोल नहीं सकता ठीक है डीप का आएगा कि डम्प का आएगा कि विजन लेस का आएगा ठीक है लेम का आएगा विजन लेस तो कहा नहीं सकता क्योंकि उसे दिख रहा है ठीक है जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहेंगे तो इसमें आपका ये डम्ब ठीक है जो बोल नहीं सकता वन हु कैन नॉट स्पीक जो बोल नहीं सकता उसे डम्ब कहते हैं एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन टू टेन रीड द पैसे करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ठीक है इसे आपको केयरफुली रीड करना है रीड करने के बाद इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आंसर देना है नौ से दस देखा कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय द चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ठीक है एक मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को चूज करके इसे आपको कंप्लीट करना है द टाउन वाज ठीक है अब इसमें सब कुछ आपको इसका आंसर मिल जाएगा तो यहाँ पे देखो टेन मील फाइव मील सिक्स मील्स वेरी नियर ठीक है।, है कितने माइल्स दूर था तो यहाँ पे आप देख सकते हो द टाउन वाज सिक्स माइल्स फ्राम हर विलेज ठीक है कितना हमारे बल्ली के विलेज से था सिक्स माइल्स तो यहाँ पर सिक्स मील्स लिख देंगे ठीक है आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट एंड इसके बाद द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे एक तरफ का बस का किराया कितना था तो इसी में द फेयर वाज थर्टी पैसे वन वे ठीक है कितने पैसे थर्टी पैसे वन वे तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इलेवन टू थर्टीन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें से ठीक है ग्यारह से तो यहाँ पे है डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन द मंडेला बीकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन कब ये देखा था, था ये आपको से मिलेगा उन्नीस सौ नब्बे में कि चौरानवे में उन्नीस सौ चौरासी ईस्वी में ठीक है तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा उन्नीस सौ चौरानवे में एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर एज ठीक है कितने पीसोज को पूछने के लिए वो फिर से गॉड को पत्र लिखता है थाउजेंड की हंड्रेड की फिफ्टी की सिक्सटी ठीक है कितने के लिए वो बोला था ये आपको तो वो बोला था हंड्रेड के लिए ठीक है लेंचू रोड रिलेटेड टू गॉड आस्किंग फॉर ए हंड्रेड पीसोज ठीक है हंड्रेड पीसोज को पूछने के लिए भगवान को एक पत्र लिखा वॉली वाज इयरली ईयर ओल्ड गर्ल ठीक है वॉली जो थी कितने ईयर की थी कितने साल की थी टेन साल की थी कि सेवन साल की थी कि एट साल की थी कि ट्वेंटी ईयर की थी ठीक है तो जो आपकी वली थी वो कितने साल की थी एट साल की थी यहाँ पे आपका भरा जाएगा ई आई जी एच टी ठीक है आपको कॉपी में कैसे लिखे इसको भरना है तो आपको सी वाला ऑप्शन को इस तरह से कलर करना है यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है ठीक है पेपर में यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टू फिफ्टी रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ही स्टोक्स इन हिजिट स्ट्राइब दू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैट ऑफेट क्विट इन इसके नीचे चौदह से पंद्रह क्वेश्चन हु इज द पोइट ऑफ द पोएम फ्रॉम बिच द एब स्टेंजा है लिया गया है इसके पोयम इसके पोएट कौन है ठीक है यानी इसके कभी कौन है विटमैन लेसलोन नोरिश रॉबर्ट फर्स्ट रॉबिन क्लेन ठीक है तो जो ये इसके ये जो लिखा गया है पैसेज इसके जो कवि हैं वो आपके हैं लेस्ली नोरिस ठीक है लेस्ली नोरिस है इसके बाद फिफ्टीन नंबर के व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम पोयम का जो टाइटल है वो क्या है एनिमल है फायर एंड आइस है ए टाइगर इन द जू है कि द ट्रीज है ठीक है तो ये जो आपका पोएम है ये किस मतलब टाइटल से लिया गया है ठीक ये लिया गया आपका ए टाइगर इन द जू वाले टाइटल से लिया गया है क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज इसके जो राइटर है वो कौन है ठीक है रॉबर्ट डब्ल्यू पिटसर रिचार्ड इब्राइट सिंक्लेर लेविज की रस्किन बॉन्ड ठीक है कौन है तो इसके जो आपके राइटर हैं ये द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट वो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ये करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर क्वेश्चन ये है कि रामलाल ठीक रामलाल की जो बड़ी पुत्री थी वो कौन थी राधा थी कि रेखा थी कि सुलेखा थी कि कमला थी ठीक है तो वो आपकी सबसे बड़ी जो पुत्री थी वो राधा थी कौन थी राधा यहाँ पे एटीन नंबर क्वेश्चन की भोली वाज द डाटर आप भोली किसकी पुत्री थी कलेक्टर रामलाल की तहसीलदार रामलाल की इंस्पेक्टर रामलाल की नंबरदार रामलाल की ठीक राम है तो वो किसकी पुत्री थी भोली तो भोली जो आपकी थी वो ये नंबरदार रामलाल की थी यहाँ पे ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज यानी कि ट्रिकी की जो एक्चुअल यानी जो प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी मलेरिया थी कि मेलेन्यूट्रियस थी कि फेवर थी कि वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड ठीक है भोजन की अधिकता यानी विटामिन की अधिकता थी उसकी मेन जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी तो वो थी ये वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड ठीक इसकी उसको बीमारी थी ट्वेंटी नंबर है कि मिस्टर पम्फेरी वाजे मिस्टर पम्फेरी क्या था ठीक है पुअर लेडी था सेल्फिश लेडी थी कि रिच लेडी थी कि जेंटल लेडी थी तो ये जो थी एक रिच लेडी थी ठीक है मिस्टर पम्फेरी क्या थी एक रिच लेडी थी अब यहां से आपको कॉपी की शुरुआत लिखने की करना है ठीक है पार्ट बी तो पार्ट बी लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग देगा जो कि आपकी बुक से होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ठीक है सबसे पहले सिंपली आपको इसे पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को राइट करना है तो राइट कैसे करना है ये चीजें मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगा यहाँ पे कॉपी ले लिया मैंने ठीक है अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि पुअर वोमेन गो टू बुद्धा ठीक है तो आपको इसमें मेन वर्ड छाट लेना है जैसे यहाँ पे पुअर वोमेन हो गया बुद्धा हो गया इसको पैसेज में खोजना है ठीक है ए पुअर वोमेन टू बुद्धा ठीक है तो आपको इस तरह से लिखना कैसे लिखना कैसे है शुरुआत कैसे करनी वो चीजें हम देखेंगे सबसे पहले आपको पार्ट भी डाल देना है रीडिंग करें तो रीडिंग रीडिंग है तो रीडिंग हमने डाल दिया अब यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है फर्स्ट है ठीक है तो आप यहाँ पे कभी 21 दे देता है कभी किसी में फर्स्ट लिख देता है तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देंगे इस तरह से अब यहाँ पे देखो हमने मेन वर्ड हमने बताया कि पुअर मोइन वोमेन है तो आपको यहाँ पे मिल गया ए पुअर वोमेन ठीक है इसी को मेन वर्ड चुनते हैं अब इसके आंसर को कैसे लिखना है सिंपली आपको इसी तरह से थोड़ा उठा कर लिख देना पूरे पूरा नहीं आपको लिखना कैसे द पुअर वोमेन गो टू बुद्धा ठीक है अब देखो यहाँ पे डीड लगा है जब भी वाक्य में डीड लगा हो ठीक है तो इसका क्वेश्चन से आंसर बनाते समय डिड को हटाकर बर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया जाता है यानी कि इसको क्वेश्चन के आंसर बनाने के रूल ये कहते हैं कि क्वेश्चन जिस भी टेंस में उसी टेंस में इसके आंसर को देना है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में ही हम इसके आंसर देंगे ठीक है और भी मैं आपको बताऊंगा जैसे यहाँ पे पास्ट डिफिन का जो ऑफरमेटिव सेंटेंस होता है उसमें बर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है ठीक है तो यहां पे जैसे मैं आपको यहाँ पे कॉपी भी बताऊंगा यहाँ पे जैसे हम इसको शुरुआत कैसे करेंगे और टीचर एग्जामिनर जो होते हैं यही चीजें आपके बोर्ड में देखते हैं अगर ये भी आपने लिख दिया इसमें से कुछ भी उठाकर लिख दोगे तो भी आपका सेंटेंस सही है ग्रामर के रूल को फॉलो किए हो हंड्रेड आपको नंबर मिलेंगे ठीक है यहाँ पे हो जाएगा द पुअर वोमेन द पुअर वोमेन वोमेन गो टू को हम क्या लिख देंगे गो का सेकेंड फार्मेंट होता है ठीक है थर्ड फॉर्म गौन होता है बेंट टू बुद्धा बेन टू बुद्धा बुद्धा इसके बाद यहाँ पे क्यों बुद्धा के पास की द पुअर वोमन बेंट टू द बुद्धा जो बूढ़ी औरत थी वो बुद्ध के पास गई क्यों गई टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ यानी कि अपने बच्चे की कोई ऐसा मेडिसिन दो कि अपने बच्चे की लाइफ में बचा सकूं ठीक है तो इसी यहां से आपको पूरा उठाकर लिखना है क्वेश्चन आंसर तो देखो यहां पे मैंने लिखा रीडिंग पार्ट बी रीडिंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए नंबर है तो द पुअर मैन टू टू बुद्धा टू आस्क ठीक है आप इसको इस तरह से लिखोगे लेकिन लिखने का जो सही तरीका हमने बताया यही है ठीक है द पुअर मैन वेन टू द बुद्धा टू टू आज ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ ठीक है तो यहाँ से अगर आप देखते हो इतना तो आपको दो नंबर यहाँ से मिल जाते हैं सिंपली अब इसके बाद आपको क्या है इसमें क्वेश्चन व्हाट डिड द होली मैन टेल हर यानी होली मैन इससे क्या बताया ठीक बता है तो हम यहाँ से उठाएंगे द होली द होली मैन टेल हर ठीक है क्या बताया तो यहां पर द होली मैन टेल का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डीड हटाकर तो टोल्ड हर हो जाएगा ठीक है इसमें आपको खोजना है देखो कहां पे मिलता है ठीक है देखो यहां पे है कि यहां पे द होली मैन टॉच बाई द ग्रेट सोरो ऑफ द वोमेन टोल्ड हर ठीक है टोल्ड हर दैट दियर वॉज ओनली वन, वन मेडिसिन केवल एक दवा है विच कुड रिव्यू हर सन अपने सन को प्राप्त करने का ही बेड हर ब्रिंग ए हैंड ऑफ मस्टर्ड सीड्स उस वेयर डेथ हैड नेवर इंटर्ड यानी कि एक ऐसी सरसों के दाने लेकर आओ उस घर से जहां पे अभी तक कोई किसी की मृत्यु ना हुई हो ठीक है इतना लिखना है टोल्ड हर से तो हम लिखेंगे द होली मैन टोल्ड हर डेट डियर वाज वनली वन, वन मेडिसिन विच कुड रिव्यू हर सन ही बेड हर ब्रिंग हिम ए हैंड फुल मस्टर्ड सीज फ्राम ए हाउस वेयर डेथ नेवर इंटर्ड कॉपी लिखने के लिए पार्ट भी हमने डाला रीडिंग डाला आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाला एंड डालने के बाद यहाँ पे जैसे ए है ना ये है तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया ठीक है और इसके बाद बार बार नहीं लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी ये लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे ए यह था तो हमने ए लिख दिया अब अगेन आपको जब भी पार्ट बी की शुरुआत करते हो तो आपको एक फर्स्ट पेज से शुरुआत करना है यानी नए पेज से शुरुआत करना है ये नहीं कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे इंड हुआ आपने यहाँ से पार्ट बी डाल लिखना स्टार्ट कर दिया ऐसी गलती नहीं करना है और देखो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर एक लाइन ऊपर से छोड़ कर लिखना एंड आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद दो लाइन छोड़ दो ठीक है ये हमारी कॉपी इसलिए मैं बचत कर रहा हूँ बोर्ड की कॉपी है आप उसके पैसे देते हो तो दो लाइन छोड़ो दो लाइन छोड़ने के बाद ए नंबर डालो इसके बाद द पुअर आंसर पूरा लिखने के बाद फुल स्टाफ लगाने के बाद तीन लाइन का गैप करो यहाँ पे मैंने दो का गैप किया आप तीन का करना ठीक है फिर बी का डालना है बी हमने पूरा आंसर इस तरह से लिख दिया एंड यहाँ पे सी नंबर है वाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपुल गिव हर यानी इससे जो जाती है डोर टू तो डोर तो उसे एक सैड रिप्लाई मिलता है वो क्या रिप्लाई रहता है देखो यहाँ पे है ये देखो यहाँ पे दोर्विंग मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग डोर सी मेट रिप्लाइज क्या थे One said, एक ने कहा आई मैंने अपने हसबैंड को खो दिया एन अदर अदर ने कहा आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर पिछले साल मेरे यंग बच्चे ने मर गया सी रिटर्न टीच हो ठीक है इतने रिप्लाई दिया इसकी रिप्लाई को कैसे लिखना है आपको ये देखो हमने लिखा है यहाँ पे कॉपी में वन सेड ठीक है आप यहाँ से आपको कैसे लिखना है देखो द सेड रिप्लाइज़ ठीक है आप इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो या देखो इसको मैंने लास्ट में कर दिया यहाँ से वन सेड आई हैव लॉस्ट माई हजबेंड एन सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइट लॉस्ट दीज रिप्लाइज दैट दे गेव हर ठीक है इसको हमने लास्ट में लिख दिया द रिप्लाइज दैट पीपल गेव हर ठीक है इसके बाद है कि बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली सॉफ्टली का मतलब क्या हो गया तो इसमें देख सकते हो आप ट्रेंडली आया है ठीक है सॉफ्टली मतलब होता है कोमलता से और ट्रेंडली मतलब भी कोमलता से होता है तो पे हम लिखेंगे ट्रेंडली इसका भी आपको एक नंबर मिलेगा ठीक है तो ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ से हमारी शुरुआत होती है राइटिंग राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू ठीक है अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखो कि वो गर्मी का जो मौसम है वो हमारे साथ बिताए तो इस पर मैंने ऑलरेडी बताया ठीक है प्ले लिस्ट पर जाना उसे वॉच कर लेना इंग्लिश के अगेन है आर अगर ये चीजें नहीं आता राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए टू अरेंज यानी कि व्यवस्था करने के लिए एक क्रिकेट मैच बिटवीन ये नाइन्थ एंड टेंथ क्लास टीम नौ और दस की क्रिकेट टीम खेलने की व्यवस्था करिए एंड तीसरा कि रिपोर्ट रिपोर्ट राइट रिपोर्ट लिखना है, पर, सेलिब्रेशन कैसे मनाया जाता है इन यूरी स्कूल, अपने स्कूल में साठ से अस्सी शब्दों में सीमा में लिखना है एंड नीचे कुछ हिंस दिए गए उसके अनुसार आपको लिखना द दे स्कूल डेकोरेशन मतलब कि 26 जनवरी पे स्कूल का डेकोरेशन कैसा हुआ फ्लॉग होस्टिंग सेरोमनी तिरंगा कैसे फहराया गया कल्चरल प्रोग्राम ठीक है जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड द अदर मतलब कि भाषण जो होता है प्रिंसिपल का और जो बच्चों के अदर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स यानी मिठाई बांटने का जो कार्य हुआ वो कैसे हुआ इस सभी हेडिंग पर आपको डाल डालकर लिखना है ठीक है अगर ये चीजें नहीं लिखना चाहते राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट ए विजिट टू ए जू इन अबाउट एट्टी टू हंड्रेड वर्ड ठीक है व्हाट इज ए जू मतलब चिड़ियाघर क्या है प्लेस वर जू इज कहाँ पे स्थित है एनिमल्स बर्ड रिप रिपटाइल्स ठीक है कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ से आपका आ जाता है ग्रामर क्या आता है ग्रामर ग्रामर में है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच राम सेट टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग ठीक है तो यहाँ देख सकते हो ये कौन सा है इंट्रोगेटिव ठीक है नेगेटिव में आपको कैसे बनाया जाता है ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ अब देखो यहां पे ये साइड टू को हम किस में बदल देंगे आस्ट में और यू को किस में बदल जाएगा यू सेकेंड सेकेंड का है ठीक है तो यू किसके पास जाएगा देखो ये सेकेंड का है तो यू फ्रेंड के हिज फ्रेंड के पास जाएगा तो इसका ही हो जाएगा देखो इस तरह से इसे बनाना है. राम आस्ट हिज फ्रेंड फ्रेंड ये बेयर है तो बेयर लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है वाज हो जाएगा ठीक है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट का पास तो ही हो जाएगा ही गोइंग है तो गोइंग लिख देंगे ठीक है अब इसके बाद फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे इसके बाद है चेंज द फॉलोइंग इन टू पायसी वायस ही डिड नॉट हेल्प मी ठीक है तो मी क्या है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आई आई इसके बाद ये हो जाएगा आई और ये किसमें है पास्ट निपनीट है ठीक है तो ये किस में बदल जाएगा इसके आगे का टेंस क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज आई वाज नाट नाट लगा नाट तो लगा देंगे नाट हेल्प है तो हेल्प्ड हो जाएगा इसमें हेल्पड बाई ही का क्या हो जाता है हिम, ठीक है तो यहां पे हो गया और नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट आपका है यहाँ पे द टीचर सैड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर सबसे पहले तो इसे हम पंचू पंचुएट द फॉलोइंग यानी ये इसमें कुछ गलत लिख दिया गया इसे आपको सही तरीके से लिखना है ठीक है तो सी वाला का क्या हो जाएगा आपको यहां से देख लेना है सबसे पहले तो द को कैप्टिल करेंगे ठीक है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ठीक है टू द स्टूडेंट कावा लगाएंगे इसके बाद क्या कहा इसको हम कावा इन, इन, इन्वेटेड कावा में लिखेंगे डू डू को कैपिटल लिख देंगे डू नाट प्लग द फ्लावर ठीक है पी एल यू सी के प्लग द फ्लावर फ्लावर्स है तो फ्लावर्स लिखने के बाद का काम बंद कर देंगे ठीक है ये आपका करेक्ट हो गया इसके बाद यह नेक्स्ट की कल मैं बाजार तो यहाँ पे कल मैं बाजार जा रहा था तो मैं इसमें क्या है सब्जेक्ट है तो लिखेंगे आई वाज ठीक है जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस है आई वाज जाना का क्या हो जाएगा गो गो में क्या लग जाएगा आई गोइंग टू मार्केट गोइंग टू मार्केट कब जा रहा था ये कल ठीक कल का डे हो जाएगा ठीक है डे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला ठीक है इसको आप ऑन द वे लिख सकते हो मतलब रास्ते में ठीक है इस तरह से भी बना सकते हो जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूं ऑन द बे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला किससे मिला मुझसे ही मिलेगा ऑन द बे इस तरह से हम बना देंगे आप इसको कई तरह से आई मीट एन ओल्ड मैन बे लिख सकते हो ठीक है आन द बे इसके बाद आई मीट ठीक है मेट लिखेंगे आन द बे मिला आंधा बे दई मेट एन ओल्ड मैन एन ओल्ड मैन वह धीरे धीरे चल रहा था ठीक है ही वाज गोइंग चलना का गोइंग या वॉकिंग चल रहा था ना वॉकिंग जा रहा था नहीं वॉकिंग चल रहा था टहल रहा था चल रहा वॉकिंग स्लोली धीरे धीरे चल रहा था उसे देखकर मुझे दया आ गई तक हम बनाएंगे ठीक है और भी आगे टेंस है उसे किसे ओल्ड मैन को ठीक है उसे देखकर मुझे दया आ गई ठीक है अब देखो सींग उसे देख कर देख कर लगा हो ना तो उसके लिए सींग लगा देंगे सीन मतलब देखना होता है सीन आई एन जी लगा देंगे ठीक है हमें आई फेल्ट मतलब आई ठीक है आई फेल्ट पिट्टी मतलब होता है दयाना आई फेल्ट पिट्टी ठीक है पिट्टी मतलब होता है दयाना आई फेल्ट पिट्टी एंड आई हेल्प हिम और क्या लिख देंगे और है इसके बाद और मैंने उसकी सहायता की एंड आई हेल्पड मी हेल्प मी ठीक है इस तरह से आपको बनाना सिंपल है इसके बाद यहां से आ जाता है लिटरेचर ठीक है जब भी इसको डालेंगे कॉपी में तो यहाँ पे सबसे पहले लिटरेचर लिखकर कर ब्लैक पेन से तब क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे लिटरेचर में आपको तीस से चालीस वर्ड में क्वेश्चन देना आंसर देना जो कि तीन प्लस तीन छः नंबर के

विषय में क्या लिखा था अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो वाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इन टू द बस, ठीक है छठा है कि आंसर द द फॉलोइंग इन अबाउट वर्ड्स में आपको आंसर देना है हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ बी वाई डज अनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली डज सी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर आर एन आउटसाइडर इसके बाद है सातवां की डिस्क्राइब द दस्ट बिटवीन द द द टाइगर टाइगर इन इन जू एंड नेचुरल ठीक है विजूर। वर्ड में अगर ये दिन राइट फोर लाइंस ऑफ एनी लाइन इन योर सिलेबस स्लेवर। आपके सिलेबस में दिया गया कोई भी चार लाइन का पोयम लिखिए एंड डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर में दिए गए कोई भी कविता का कॉपी मत करो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स इन पोय अबाउट टू To words, आप का कर सकते हुए टाइगर इन द जू फायर एंड आइस का तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, आप का। ठीक, कैसे लिखना है क्या लिखना है, आपको? पे है, आप ठीक है? तो डस्ट ऑफ स्नो द ब्यूटिफुलज बीन कंपोज बाय रॉबर्ट प्रॉस्ट दिस फोयम टेल्स अज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल थिंग्स इन ह्यूमन लाइफ ठीक ये कविता हमें क्या बताती है कि मतलब कि मनुष्य के जीवन में नेचुरली प्रकृति का कितना ज़्यादा योगदान है महत्व है द पोएट वाज इन अपसेट मूड जब भी पोएट अपसेट मूड में होता है ही वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री ठीक है वो हेमलॉक ट्री के नीचे चला जाता है देन द क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ओवर द पोएट ठीक है और कवेज होते हैं वो पोएट के ऊपर डस्ट गिरा देते हैं सडनली अचानक हिज अपसेट मूड वाज चेंज उसके जो अपसेट मूड होता है वो चेंज हो जाता है इन टू दैप्पीनेस एंड ही बीइंग्स टू इन्जॉय द नेचर वो खुश हो जाता है और प्रकृति से इंजॉय करने लगता है इसी को आपको तैयार करना है अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हो तो ये लिख देना ठीक है आप इसका स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते हो एंड है नेक्स्ट है कि नवा नंबर ठीक है एंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स पहला है कि वाट वाज द रियल डीजेज दैट ट्रिकी वाज द सफरिंग फ्रॉम ठीक है यानी कारण ठीक है रोग टिकी वाज सफरिंग फ्राम क्या उसके बीमार होने की क्या वाज़ी वाज़ी, के क्या कारण थे ठीक है वाई वाज भोली फादर्स वरिड अबाउट हर दसवा के आंसर ऑफ द फॉलोइंग सिक्सटी वर्ड्स व्हाट वुड हैव टू द टल्डा हैज सी कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैड लॉस हर नेकलेस नेकलेस मतलब हार होता है यानी हार खोने के बाद की उसकी पोजिशन वाट आर वाले गो इन टू दाइंटिस्ट ठीक है ये आपको चार नंबर में पूछेगा इसके साथ ही साथ मैंने इन सभी जितने भी क्वेश्चन आपने देखा ना सभी की सीरीज चलाया हुआ है सभी के आंसर आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर का प्ले लिस्ट आप देख लो ठीक है क्वेश्चन क्लास टेंथ इंग्लिश का सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो वहां से आप तैयारी कर लेना एंड इसके अलावा मैं सभी सब्जेक्ट को आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता हूँ ठीक है जो कि हंड्रेड टेन परसेंट वायरल मॉडल पेपर और आपके बोर्ड में आएंगे ठीक है इसको तैयार करे तो आप सत्तर में सत्तर नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आज की इस वीडियो में इतना ही मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद